नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का मैं सुशील चौहान फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को रुद्राज कन्वेंशन सेंटर दिखा रहा हूं, जिसकी दीवारें कचरे के ईंट से बनाई जा रही है। यह कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के सिगरा नगर निगम मुख्यालय के बगल में बनाई जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो की पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो पर बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। यदि मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मेरा यूजर नेम है सुशील चौहान 321। जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए हम रुद्राज कन्वेंशन सेंटर के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। मित्रों, सिगरा स्थित नगर निगम मुख्यालय के बगल में बन रहा रुद्राज कन्वेंशन सेंटर भारत व जापान की दोस्ती का प्रतीक है। खास तौर पर संगीत तीर्थ के लिए जापानी तकनीकी व वास्तुकला का नायाब नमूना है। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर का ऊपरी हिस्सा शिवलिंग अर्घा और उस पर भोलेनाथ पंचमुखी रुद्राज की तरह दिखेंगे। 186 करोड़ लागत से बन रहे कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसके लिए कुर्सियां मंगाई जा रही है। खास बात यह है कि कृषि उत्पादों के कचरे से बनी ईंट से इसकी दीवारें बनाई जा रही है। इस ईंट में बनारस के कृषि उत्पाद व मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। 2.87 हेक्टेयर एरिया में बन रहे रुद्राज कन्वेंशन सेंटर की नींव दिसंबर 2015 में पड़ी थी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी बनारस आए थे। उसी समय एक पैलेस में शाही भोज और बनारसी कलाकृतियों के तोहफों ने ऐसा मन मोहा कि शिंजो आबे जी ने कन्वेंशन सेंटर बनवाने का प्रस्ताव रख दिया। अब दिसंबर 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा यह कन्वेंशन सेंटर। वर्तमान में लगभग 2 मंजिला भवन बनकर तैयार हो गया है। जैसा कि आप सभी मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, जापान ने 186 करोड़ रुपए अनुदान में दिए हैं। इस रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, म्यूजिक एग्जीबिशन और भी कई चीज़ों की सुविधा होगी। रुद्राज के निर्माण में ईंट से लेकर अन्य सामग्री अलग तरह की है। तमाम सामान दूसरे देशों से भी मंगाए जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे जापान के प्यार की माला बताया। अब बनारस सीधे हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों की तरह सीधे आकर कतार में खड़ा हो जाएगा। जापान की 500 साल पुरानी पारंपरिक सिल्क कला निशिक का डिजाइन और तकनीकी सेंटर भी बनारस में खोलने की तैयारी है। इसके आसपास बनारस की कला संगीत संस्कृति को प्रदर्शित करने की गैलरी बनेगी। साथ ही साथ एक बेहतर पार्किंग की भी व्यवस्था होगी, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और लोग आसानी से अपने वाहनों को पार्किंग में खड़ा कर सकें।
सो फाइनली दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करने का समय आ गया है। हमें आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। इस वीडियो को और हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।